भी रगड़ी गई है सारी। यहाँ से नीचे गया ट्रक, सीधा जाके भैया चेक करो। बारह फुट तकरीबन अंदर दुकान बेच। अच्छा ठीक है, बचत होगी। ये तंदूर वाला एक बंदा जेड़ा वो अगे बच गया, ड्राइवर जख्मी हालत इतों कढ़िया। अच्छा। दीवार तोड़ के इस गेट के अंदर दीवार तोड़ी है, तो वह दोवे कढ़े। ड्राइवर जेड़ा वो हुण पिंडी रेफर है, 50% वो चांस है। अल्लाह ताला उसनू बचाए, अपने बच्चे नसीब होवे। हर सुनने वाला बंदा जेड़ा वो दुआ करो उस वास्ते। तो जी टी रोड से जी बंदे सुने त्रै जड़े नो मोटरसाइकिले आले जड़े उन्हों दी टी वी तो भी आ गई है, वो लोगों भी वेख लिया। इतने 12 फुट हूँ तकरीबन जरा अंदर। हाँ 12 फुट आई दुकान ये साथ इसके तंदूर था ना। वाह मॉडल टाउन से ये ऊपर से आया ना, ऊपर से जी टी रोड से मुड़ा होगा कि ब्रेक इसकी फेल होगी। पेशावर जा रहा था और पेशावर से बस इसने इधर फुटपाथ पे चढ़ाया है, उधर ही इसका। अच्छा उधर से मुड़ के इधर आया, उधर से मुड़ा है तो उसे कुदरत इधर ले आई है। साथ साथ ड्राइवर जो है वो लाइटिंग भी देता है, ऑटो भी बजाता है साथ साथ। अच्छा, इसलिए ये बहुत मसरूफ़ सड़क थी लेकिन कुदरत ने उस टाइम आदमी कोई नहीं था। अल्लाह रहम करे यार, रहम करे। ऐसे हादसे से ये चीनी दो के अफगानिस्तान जा रही है। मेरे ख्याल अभी तक ना मालिक आए हैं, ना चीनी का कोई मालिक आया है। अहले महला ने अभी तक राखी कर रहे हैं। ये रोड इन्होंने ब्लॉक तो की थी, खोल दी है रोड किसी और चक्कर में ब्लॉक की थी। वो सर्विस रोड की वजह से मॉडल टाउन के साथ जो है ना वो सर्विस जी जी। रोड सुबह बच्चे जो जाते हैं उनकी जो एक्सीडेंट होते हैं। सर्विस रोड भी इन्होंने नहीं बनाई हुई ना। हाँ सर्विस रोड भी नहीं है तो वो रोड ब्लॉक इस वजह से हुई थी। एसी साहब इधर भी आए थे, उधर भी गए। यहाँ पे आके लगे फ्रंट वाला हिस्सा तो सारा अंदर घुस गया।